भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सिट्टू ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हमीरपुर में हल्ला बोला और जोरदार रोष प्रदर्शन किया। बजट से महंगाई तक की समस्या को लेकर सैकड़ों सिट्टू कार्यकर्ताओं ने हमीरपुर बाजार में रैली निकाली और बाद में गांधी चौक पर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सिट्टू राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर, अनिल मनकोटिया, जोगिंदर सिंह, नटरंजन सिंह भी मौजूद थे। प्रदर्शन में मांग की गयी की मनरेगा बजट बढ़ाया जाए और डिपो के राशन को सस्ता करने के साथ साथ पेट्रोल डीजल के रेट को भी कम किया जाए। सिट्टू राष्ट्रीय सचिव ठाकुर कश्मीर सिंह ने कहा कि आए दिन लोगों पर टैक्स का भार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में मांग की जा रही है कि मनरेगा बजट को बढ़ाया जाए ताकि मजदूर वर्ग परिवार का पालन पोषण कर सके। उन्होंने कहा कि सरकार के नहीं मानने पर भविष्य में भी प्रदर्शन जारी रहेंगे। सिट्टू के आह्वान पर पूरे देश में जो हमें उम्मीद थी मोदी सरकार हमला करेगी मजदूरों पर, आम जनता पर, उसके खिलाफ हम लोगों ने पहले तैयारी कर रखी थी। आज ये प्रदर्शन जो है अचानक नहीं है, हमें मालूम था ये सरकार जो है पूंजीपतियों के पक्ष में नीति बनाएगी। और आज हम देख रहे हैं एजुकेशन पर टैक्स, हेल्थ पर टैक्स, रोड पर टैक्स 8%, और आज तक इतना पेट्रोल और डीजल का कीमत कभी नहीं बढ़ा, कांग्रेस के जमाने में भी नहीं बढ़ा। आज पेट्रोल 74 रुपए लीटर बिक रहा है, 64 रुपए डीजल बिक रहा है और इससे पूरा महंगाई बढ़ रहा है। सरकार ने तय कर दिया है मनरेगा भी आस्ते आस्ते खत्म करेंगे। आंगनवाड़ी और मिड डे मील को कह रहे हैं कि हम माताओं के खाते में पैसे डालेंगे या डाकखाने के जरिए माताओं के पास भेजेंगे। आंगनवाड़ी वर्कर का कोई जरूरत नहीं, मिड डे मील का वर्कर का कोई जरूरत नहीं, मनरेगा को खत्म करना चाहता है। इसलिए आज हमारे प्रदर्शन जो है उसको लेकर है और ये आगे और अखिल भारतीय स्तर पर आज और कल सारी ट्रेड यूनियन बैठेंगी और आगे जो है वो आगे और आंदोलन तेज किया जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। गौरतलब है कि सिट्टू के आह्वान पर आज पूरे देश में धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं और जगह जगह सिट्टू कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करके मांगों को पूरा करवाने की मांग की है। हमीरपुर में प्रदर्शन के बाद सिट्टू कार्यकर्ताओं ने डीसी हमीरपुर के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन भी सौंपा।